अस्सलामुअलैकुम भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं यार? बस अब निकलने लगे हैं फुजैरा, जैसे कि आपको पता है कि 7 स्टेट्स हैं यूएई की, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। और फुजैरा में एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे ये है कि आपको जो माउंटेन्स हैं वो नज़र आएंगे, और दूसरी एक चीज़ वहाँ पर एक मस्जिद है अलबेदिया नाम से, और वो मस्जिद सबसे ओल्डेस्ट मस्जिद है यूएई की, जो कि मतलब उसका जो साइज़ है वो समझ में ऐसा है कि एक स्टूडियो अपार्टमेंट के जैसा, वो मड से बनी हुई है अभी भी। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको ये सारी चीज़ें बताएं, और फिर बस अब ये कि हम निकलने लगे हैं, तो आपको अब वहाँ पे मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। तो फिर व्लॉग आखिर तक देखना, और भाई प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वो ज़रूर कर दें, उसके बगैर मज़ा नहीं आता है, समझ रहे ना? तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक फोर्ड है, तो यहाँ से हम गुजर रहे थे तो सोचा आपको ये चीज़ भी नज़र दिखाएं आपको किस तरीके से है ये। तो ये आप जैसे देख सकते हैं, सामने देखें, ज़बरदस्त लुक है इसका, और ये छोटा है, इसके साथ इन्होंने सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है इसके साथ, तो यहाँ बैठ भी सकते हैं आप आराम से। और बाकी ये आगे सारी इधर इस तरफ जो है वो कैफेज़ वगैरह भी बने हुए हैं। टाइम पे हूँ फुजैरा में हाईवे के ऊपर, और ये हमारा रोड ट्रिप चल रहा है अभी। अच्छी चीज़ ये देख रहे हैं, जैसे ये फेंस लगे हुए हैं, तो ये हाईवे पे, पूरे हाईवे पे लगे हुए हैं कि कोई जानवर मतलब गाड़ी के आगे ना आ जाए, कि ड्राइवर को कोई नुकसान पेश आए। तो ये इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ करी है यहाँ पर, तो मैंने सोचा ये आपको मैंशन करूँ यहाँ रुक के, स्पेशली हम यहाँ रुके। और ये आप देख सकते हैं, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये सब जो है फ्राइडे मार्केट कहलाती है फुजैरा की, और इसके साथ यहाँ पे नर्सरी, और तकरीबन ये कोई 1 से 1.5 किलोमीटर के करीब तक की ये पूरी मार्केट है। इधर आपको हर चीज़ मिल जाती है, जैसे आप देख सकते हैं फ्रूट्स वगैरह कुछ ईज़ीली मिल जाता है आपको, जो भी आपको चाहिए यहाँ से। भाई ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नेशनल हाइपर मार्केट है ये फुजैरा के अंदर, तो अभी हम यहाँ पे भी आ गए हैं, तो ये जगह भी काफ़ी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी नेशनल हाइपर मार्केट भी दिखाते हैं अभी अंदर चल के। और यार वो अलबेदिया मॉस्क हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें अभी मिल नहीं रही है, कि नई जगह है हमारे लिए भी है, तो अगर के मिल गई तो यार उसको लाजमी दिखाएंगे, वरना जो चीज़ें यहाँ पर हैं वो तो हम दिखाई देंगे। तो भाई हम लोगों ने साथ रहना है, तो मज़ा बड़ा आ रहा है यार, एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करता रहना चाहिए बंदे को, जो भी जहाँ भी मिल रहा हो मौका तो वहाँ घूमें फिरें। हमारे दोस्त एक वो आ रहे थे इस तरफ, तो मैंने बोला चलो हम ये चलते हैं फुजैरा, फुजैरा में बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूम फिर के। भाईजान तो मैं आ गया हूँ ये कल्बा कॉर्नर से, ये फुजैरा के साथ ही लगता है, तो अभी ये इसके साथ ये सारा सी साइड ये सब आप सामने देख सकते हैं, बिल्कुल ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये सामने बिल्डिंग चेक करेंगे, ये भी शारजा का हिस्सा लगता है, कल्बा कॉर्नर कहलाता है ये, लेकिन ये है बिल्कुल बराबर में मतलब फुजैरा के साथ ही है, लेकिन ये टेरिटरी शारजा में शुमार होती है। तो ये देख सकते हैं जैसे आप ये प्ले एरिया वगैरह बना हुआ है छोटा सा, और सी साइड है, ये सिटिंग एरिया वगैरह सब बनाया हुआ, ये कॉर्नर शॉप आपको हर जगह मिलेंगे इधर। तो भाई ये शेख जायद मॉस्क है मेरे पीछे जैसे आप देख सकते हैं, और ये करीब 210 मिलियन AED में बनी है, इसकी कॉस्ट ये आई है, और इसका लुक
काफ़ी ज़बरदस्त है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये यूएई की सेकंड लार्जेस्ट मॉस्क है और फुजैरा की मेन मस्जिद है, यानी सबसे बड़ी मस्जिद यही है। ये सारी इसकी पार्किंग वगैरह है। तो और तकरीबन 28,000 से ज़्यादा क्राउड इस मस्जिद के अंदर आ जाता है। तो काफ़ी ज़बरदस्त इसका लुक है और काफ़ी प्यारी लग रही है ये मस्जिद। तो व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं और फिर आपको किसी और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो फिर आपने वही जो आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फिर यार इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।